हरिओम, जय माता दी। प्रिय भक्तों, मैं वेद प्रकाश त्रिपाठी आप सभी प्रिय भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम शक्ति माँ दुर्गा को प्रणाम करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ चैत्र नवरात्रि 2021। नव वर्ष में हम सभी अपनी राशि के अनुसार कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि में पूजन करें अपनी राशि के अनुसार। नवरात्रि का क्या अर्थ है, नव संवत्सर क्यों कहा जाता है, किन किन महीनों में नवरात्रि होती है, नवरात्रि में माँ के कितने रूपों की पूजा होती है, जानिए संपूर्ण विधान। वैदिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में इस संसार को रचा था, इसलिए इस पावन तिथि को नव संवत्सर पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि व्रत भी इसी तिथि से प्रारंभ होता है। आप सभी प्रिय भक्तों को नव वर्ष नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि शब्द का अर्थ है नौ रातें। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नव वर्ष नवरात्रि वर्ष में चार बार आती है, माघ मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास, अश्विन मास। प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। प्रतिपदा से नवमी तक का समय नवरात्रि का होता है। इसमें चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। इसमें दो गुप्त एवं दो उदय नवरात्रि होती हैं। चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि उदय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत या चैत्र नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। प्रथम संवत 13/4/2021 को प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के आठवें दिन को अष्टमी के रूप में और नौवें दिन को महानवमी और चैत्र नवरात्रि पर रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं किस तरह से अपनी राशि के अनुसार देवी को करें प्रसन्न और प्राप्त करें मनचाहा वरदान। मेष व वृश्चिक राशि व लग्न वाले गुड़हल के पुष्पों को देवी जी को अर्पित करके लाल चंदन की माला से नवार्ण मंत्र का जप करें। नैवेद्य में गुड़ अर्पण कर सकते हैं। वृष व तुला राशि व लग्न वाले स्फटिक की माला देवी जी को अर्पण करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नैवेद्य में घी और चीनी का भोग लगाएं। मिथुन व कन्या राशि व लग्न वाले रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। नैवेद्य में पंचमेवा निर्मित खीर का भोग लगाएं। कर्क राशि व लग्न वाले सफ़ेद चंदन देवी जी को अर्पित करें। विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ करें और नैवेद्य में दूध का भोग लगाएं। सिंह राशि व लग्न वाले गेंदे की माला देवी जी को अर्पित करें। सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करें व नैवेद्य में लाल मिठाई अर्पण करें। धनु व मीन राशि व लग्न वाले हल्दी की माला देवी जी को अर्पण करें। दुर्गा जी के 32 नामों का स्मरण करें। नैवेद्य हेतु पीली मिठाई व केले चढ़ाएं। मकर व कुंभ राशि व लग्न वाले अपराजिता के नीले पुष्प अर्पण करें व दुर्गा कवच का पाठ करें। नैवेद्य में उड़द से बनी मिठाई या चना हलवा का भोग लगाएं। प्रिय दर्शकों, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय महाकाल, जय माता दी।